गाइस आज ना मेरा मूड बहुत बहुत खराब है, बस मैं बता नहीं, जैसे पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी कॉलोनी, आज फिर देख। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आपका स्वागत है ऐसी की दुनिया में। आप अच्छे होंगे, खैर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। जो नए हैं इस चैनल पे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। गाइस आज का सीन ऐसा है, आज है ट्यूसडे और मूसा जा रहे हैं स्कूल, रेडी हो गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में उन्होंने लिया है बटर टी, टी बटर टोस्ट बटर कह रही हूँ खाली, टी बटर टोस्ट। और बज रहे हैं 12:15, बस 5 मिनट है इनके पास। और हस्बैंड पढ़ रहे हैं रोज़ की तरह यासीन, और उस घर से निकलने से पहले यासीन पढ़ते हैं माशाल्लाह से, तो वो पढ़ रहे हैं यासीन। मैं इनको करा रही हूँ नाश्ता और इन्हें भेज के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी यहाँ नहीं है गाइस, देखो ये मुझे कितना परेशान कर रही है। कल हमें किसी शादी में जाना है तो ये अभी से कह रही है मुझे तैयार कर दो। अब कल है शादी तो कल तैयार होना ना। देखो कितना इधर आओ हयात, आपने इतना अच्छा पहन रखा है, घर में कितना अच्छा कैरी कर रखा है, क्यों उतार रही हो? देखो मान नहीं रही। सो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और मुंह हयात का हो गया है टी टाइम। हयात को लग रही थी भूख, उन्होंने कहा उनके लिए जिद करके, मैंने बोला इतना कि मिल्क और बिस्किट ले लो, बट नहीं, उन्होंने कहा मेरे टी बनाओ। है हयात भूख लग रही थी आपको? मैंने भूख लगने में इन्होंने ये अपना खुद बताया कि मैं ये खाऊंगी। नया तो टी बिस्किट अच्छे लगते हैं आपको? और क्या अच्छा लगता है मेरी आदतों को? शुगर, इसको शुगर भी बहुत पसंद। और भाई कब आएंगे आपके? मेरे भाई 7 बजे। 7 बजे हाय, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस टी एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज टी बिस्किट। चलिए इनको मैं खिलाती हूँ, फिर मिलते हो आप लोगों से। सो गाइस मूसा आ चुके हैं स्कूल से। कैसे रहा मुझसे स्कूल? अच्छा। क्या हुआ स्कूल में? मम्मा मैं वॉशरूम जा रहा था ना, मेरी क्लास का एक बच्चा आया, भाई तेरा पहला पीरियड हुआ है? हाँ भाई, वो बने का था। अच्छा, और हमारा 1B का है। अच्छा, फर्स्ट बी हो, वो फर्स्ट ए का था। फिर और कह रहा था भाई तेरा वो पहला पीरियड हुआ है? हाँ। और मेरे से जबरदस्ती बातें करने लगा। अच्छा। फिर मैंने एक छापड़ मारा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मुझे मारते नहीं है, क्यों? फ्रेंड्स से बातें नहीं कर सकते? वो फ्रेंड मैन तो नहीं है, कोई भी था, ऐसी बात नहीं, ऐसे आपने मारा तो नहीं है, मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। मारते नहीं है बेटा, गंदी बात होती है, ठीक है? अगर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे फर्स्ट ए का भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? उसका नाम मोहम्मद था मेरी क्लास का। अच्छा, तो अब मोहम्मद ऐसे करना, सबसे फ्रेंडशिप करके रखना। ओके ओके ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस आज ना मेरा मूड बहुत बहुत ख़राब है, बस मैं बता नहीं सकती। मेरी मम्मा है ना, मुझे खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं, कह रही है तू मोटी हो रही है, कम खाया कर। पर सुबह मुझको 4 अंडे 4 ब्रेड दिया। और 1 गिलास दूध दिया बस। और दोपहर में मम्मा ने मुझे 4 पराठे और 1 कटोरी सब्जी दी, बस इतने है। मैं इतने में कैसे जीऊँगी? मैं तो दुबली हो जाऊँगी, मेरे को तो अपने गाल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, क्या मुझे डाइटिंग करनी चाहिए या नहीं? वैसे आयशा दीदी कह रही थी मैं ऐसे ही क्यूट लगती हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। चलिए मिलते हैं फिर। गाइस सब कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। अब मूसा पता नहीं ये 2 कबाब कहाँ से लेकर आया, मैं भी नहीं जानती, ये यही बता सके तुम कहाँ से लेकर आए हो ये कबाब? ये 2 कबाब लेकर आया है और कह रहा है इसे सेको। कहाँ से लाए हो? बाहर से। कहाँ बाहर से? अम्मा से। अम्मा से? अपनी दादी के पास से 2 कबाब लेकर आए, कह रहे बस मेरे नहीं है, इसको फ्राई कर दो। हाँ खाना लगा दूँ?
हाँ हाँ चले मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग से फिर मिलती हूँ। सो गाइस आज हस्बैंड हमारे लिए लेकर आए हैं ये लाल रोटी जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा ये क्या है। ये बहुत मीठी मीठी होती है, ये ऐसी होती है और ये मतलब ज़्यादातर यहाँ पे दावतों वगैरह में खाई जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपने ये खाई है तो। हम लोग ना जब भी कोई सालन ऐसे पकाते हैं तो अगले दिन ये ज़रूर मंगाती हूँ मैं। तो मूसा को भी बहुत पसंद है और मैं इसको ना वैसे तो तवे पे करती हूँ गरम, लेकिन आज मैंने ना उस पर कबाब सेके थे तो मैंने कहा चलो बाद में वॉश वॉश कर लूँगी, अभी मैं इसको ना माइक्रोवेव में ही गर्म कर लेती हूँ तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और एकदम ताज़ी हो जाती है। तो हम खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं। आ जाएगी मम्मा के साथ वॉक करने जाओगी ना? चलो इसे मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो पता है मम्मा से घुमा देंगी। पापा के साथ जाओगी? मम्मा के साथ चलो, चलो पापा चलो, बोर चलो बोर हो रहे हैं। यहाँ वॉक करने के बाद हो रही है, मैं बच्चे से कह रही हूँ मैं ले जाऊंगी उनके पर, इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे मैं लेके चलती हूँ आज देखना, मैं तुम्हें इतनी बढ़िया वॉक कराऊंगी। चलो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आज मेरा चैलेंज है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ये मेरा खुद का चैलेंज है। चलोगे? चलो आज से मम्मा जाएंगे बच्चों के साथ। सो गाइस हयात ने भम मचा रखा है बहुत ज़्यादा, अभी देखो आपको आवाज़ आ रही है, बहुत ही रो रही है। उन्हें हम लेके जा रहे हैं नीचे एक राउंड लगवाने तो थोड़ी सी शांत हो जाएंगी वो, तो लेके चलते हैं और आप भी चलिए हमारे साथ। सो गाइस हमने डिसाइड करा है हम स्कूटी नहीं लेंगे, वरना हम वॉक पे जाते हैं जब भी बच्चों के साथ स्कूटी लेते हैं। और देखो बच्चे मैंने इन्हें थकवाते हैं, वॉक कराते हैं तभी फ़ायदा होगा, तो हमने सोचा है वॉक ही करेंगे, ठीक है ना मूसा? और गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू। आओ कम दिस साइड, गाड़ी आ रही थी ना तो हस्बैंड हटा देते उन्हें, तो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट आ रही है गाइस आप लोग की तरफ से। आप इधर आ जाओ, हयात मानती नहीं है, तो चलते हैं वॉक करते हैं। और थैंक यू जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है उसके लिए वेरी 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 मच थैंक यू, और हमारी फैमिली को आप लोग इतना पसंद कर रहे हो उसके लिए भी थैंक यू, और चिम्पी की तरफ से भी थैंक यू। मैं तो जैसे पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी कॉलोनी, आज फिर देख लें कुछ ऐसी दिखती है। अभी रहे हूँ शायद को मैं थका रही हूँ ताकि थक जाए, खास कर तो ये लड़की थक जाए, इनने बड़ा आतंक काट रखा है ना। हाँ तो साइड हो जाए, गाड़ी आ रही है बेटा इधर आ जाए। वो तो सोच रही मैं तो घर पे घूम रही हूँ, हाँ सोच रही मैं घर पे घूम रही हूँ। आपको घर जाके दिखाती हूँ, बच्चों ने दिए चॉकलेट। आओ कम कम, सो गाइस आ गए हैं वापसी ग्राउंड लगा के, बस हयात गई है पीछे शॉप पर अपने पापा के साथ, कह रही है मुझे चिंगम चाहिए। उन्हें पता नहीं क्या हो गया, चिंगम खा रही, मैं खाने नहीं देती हूँ उन्हें, तो मैं सो क्या है उनसे कि टॉफ़ी ले लें चिंगम ना लें, पता नहीं एक बार उसने खा ली थी ना जब से उसका मन करता है, लेकिन मैं मना करती हूँ। बहरहाल आप लोग मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत एक तो बहुत ही अच्छा कमेंट आया अभी, और उन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी कहा कि बाजी मैं आपको सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह मैं आपको मतलब मेंशन करूंगा, मतलब ये पहला एक ऐसा कमेंट आया है मेरे लिए, वरना ज़्यादातर लोगों को मैंने ना कहा मतलब जितने भी बड़े वो होते हैं इंस्टाग्राम्स के उनको मैंने बोला है तो तब वो करते हैं, वरना उन किसी की तरफ से पहल नहीं हुई, कि पहली बार किसी ने मुझसे खुद कहा है पर्सनली कि बाजी मैं आपको सपोर्ट करूँगा खूब, तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू भाई सो मच। उनका नाम मेरे नाम क्या था नाम देखो मेरे जहन से निकल गया, उनका सरनेम याद है मुझे कुरेशी करके सरनेम है, हाँ तो उनका नाम मैं बिल्कुल जहन से उतर गया है मेरे। देखो बच्चे भी आ गए, चलें चलते हैं। तो उनको जो मिस्टर कुरेशी थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए मुझे। गाइस हो गई है हमारी वॉक और हमने सोचा ये भी हम रोज़ आया करेंगे वॉक पे, क्या कहते हो आप?
वैसे मैं इरादा बना लेते हैं लेकिन हो नहीं पाता सक्सेसफुल। लेकिन मैंने सोचा है अब हम ना आया करेंगे, यार फैट भी बढ़ रहा है, मोटी भी हो रही हूँ मैं, पहले से मैं बहुत मोटी हो गई हूँ मैम, हयात गेट साइड, तो मैं पहले से भी बहुत मोटी हो गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ डाइटिंग वगैरह करने की। और रोज़ अगर हम 10 मिनट भी वॉक कर लें तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो वॉक करना तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि फैट आपको पता है हम खाते भी माशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें सारी फैट वाली। अब हयात थक गई हैं, अब इन्हें ले लीजिए, थक गई हैं हयात, थक गई अब उन्हें गोद में, अब हयात थक गई हैं, अब नहीं उनसे चले जा रहा, अच्छा है थक गई। और मूसा हमने लगे हैं, चलें चलते हैं अब ऊपर आ गया घर। और खाते हैं मजे से, चले खाते हैं भाई। तो गाइस आज का व्लॉग हम एंड नहीं करेंगे। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।